तो उधर ग्वाल बालों के संग में आ रहे हैं, दरवाजे पर आए तो कुवलिया पीड़ हाथी को देखा। महाबत से कहा कि महाबत हाथी को आगे से हटा लो। कहा कि हटेगा नहीं, बल हो बुझाओ मैं तो हटा दू। युद्ध छिड़ गया हाथी से। आगे कन्हैया, पीछे दाऊ भैया। कन्हैया मुष्ट का प्रहार करते हैं तो हाथी 10 कदम पीछे हट जाता है, पीछे से बार होता है तो 10 कदम आगे दौड़ जाता है। गेंद बना ली दोनों भाइयों ने। भगवान ने बाकी सूंड पकड़ी, उठाया, जमीन से दे मारा, मारा गया। सुबह पहरेदार भी मारे गए। प्रवेश अंदर मिल गया भगवान को। अंदर देखा तो शिव का धनुष रखा हुआ है, तो धनुष यज्ञ अनुष्ठान रचा था। ये शिव का धनुष कंस के पास में कहां से आया? कंस जिस समय दिग्विजय पर था उस समय सुना मंत्री चाणूर ने बताया कि कंस राज इस समय ब्राह्मण कुल में एक ऐसे योद्धा परशुराम हुए हैं जिन्होंने 21 बार इस धरा को छत्री विहीन कर दिया। कंस बोला कि उस समय इस कंस का जन्म नहीं हुआ होगा जिस समय 21 बार छत्री विहीन पृथ्वी को किया था। परशुराम के सामने जाकर के युद्ध की भिक्षा मांगी। परशुराम विद्वान ब्राह्मण थे, समझ गए कि हमसे युद्ध की भिक्षा मांगना किसी छत्री की हिम्मत की बात नहीं है, पर आज इसने युद्ध की थानी कैसे? पर्वत से नीचे उतर करके आए, धनुष उठाया, कंस को दिया। कंस तुम इसकी डोरी चढ़ा दो। केवल धनुष पर डोरी हमेशा नहीं चढ़ी रहती, चढ़ाई जाती थी युद्ध के समय। डोरी चढ़ा दो, हम जान लेंगे तो हमसे युद्ध कर सकते हो। कंस ने जब धनुष लचाया डोरी चढ़ाने तो मानो धनुष टूटा जा रहा हो। परशुराम ने कहा जिस धनुष की डोरी चढ़ाने में हमारे शरीर से पसीना छूट जाता था, आज ये चरचर की आवाज कर रहा है, बहुत बली है, युद्ध करना ठीक नहीं। धनुष दे दिया, कहा कि जाओ कंस, नियम से व्रत करना, इसका पूजा करना, और जा दिन तुम्हारे आंगन में इस धनुष को कोई तोड़े समझ लेना उसी के हाथों तुम्हारा काल। युद्ध भी नहीं हुआ, श्राप भी दे दिया। वही धनुष नारद ने रखवाया। भगवान कृष्ण ने जाकर के प्रथम प्रणाम किया धनुष को। शिव का धनुष था, शिव की महिमा ही निराली है, कौन प्रणाम नहीं करता? अब डरता नहीं है। प्रणाम किया, धनुष को एक हाथ से उठाया, उठा करके उसके 4 चक्कर लगाए। चक्कर लगाते ही मध्य में 3 टुकड़ों में धनुष तोड़ दिया। घोर चरचराहट की आवाज हुई। कंस समझ गया कि धनुष तोड़ा गया, आप नहीं बचूंगा, यही मेरा काल है। अरे नारद, बहुत सही समझाया तुमने। दरबार लगा हुआ है, बाबा नंद बैठे हैं, सभी सभासद बैठे हुए हैं। जिस समय कृष्ण का पदार्पण कंस दरबार में हुआ, दोनों भाई बराबर पर जाकर के खड़े हुए। कंस बोला, क्या तुम ही कृष्ण हो? भगवान बोले, मामा ठीक पहचाना, ये बलराम है, बड़े भाई है। यहां क्यों आए हो? आपने बुलाया है, पत्र है हमारे हाथ में, आपका निकाल नहीं सकते आप यहां से, परमिशन है। स्थान बताओ महाराज, कहां बैठे? बैठने के लिए नहीं, प्रदर्शन के लिए बुलाया है कृष्ण। प्रदर्शन कैसा? हमारे यहां 7 पहलवान हैं, शंख, चाड़ूर, सल, तोसल, वज्रदंत, वेगबंत और सालबंत। 7 पहलवानों से तुम्हें मल्ल युद्ध करके हमें प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा, हम जाके बहुत बड़े शौकीन हैं। हाँ, भगवान दाऊ भैया की तरफ निहारे। दाऊ भैया, जाए दिन के लिए बाबा नंदे घर में धोरी गैया को दूध पियो है, तैयार हो जाओ, जाओ का जने है। कहा ठीक है मामा, तैयार है। ₹101 का दान आदित्य कुमार शुक्ला जी की पिताजी की तरफ से, रज्जन लाल शुक्ला जी और 1 पेटी केला फल भगवान के चरणों में दान दिए हैं। ईश्वर
इनके हाथ हमेशा धर्म की ओर यूं ही आगे बढ़ाता रहे, ये शुभकामनाएं हमारी इन ब्राह्मण देव के साथ में है। हरे कृष्ण और बलराम लला दो वसुदेव के प्यारे, अरे पियो है नंदा घर दूध मल्ला दो ये पतवारे, चढ़ गया शंख चारूर से भगवान कृष्ण बलराम, शंख को उठाया भगवान ने भुजाओं पर, जमीन से दो मारा दिया। दाऊ भैया ने एक ही तमाचे में चारूर का काम तमाम, और जो मत जाए कंस तो पीछे खिसक जाए, गया मैं भी गया। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन परीक्षित, जैसे घने घने बादल मंडराते हैं और तीव्र गति से जब पवन चलता है तो उनके सीने को विदीर्ण कर देता है, उजाला हो जाता है, वैसे ही घने समूह दुष्टों का विनाश प्रभु ने कर दिया। रह गया कंस, अब नजर उठाई भगवान ने, मामा बैठे हो क्या चाहते हो? भाभी कुछ नहीं, कोई हमारी आपकी बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। मामा ज्यादा से जन्म लिया है, मैया बबुला जेल काट रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, एक गलती तुम्हारी जो क्षमा कर दे हम, मेरे माता पिता 11 साल 3 महीना 21 दिन हो गए हैं जेल काटते हुए, समझे? तुमने पूतना भेजी हमें मरवाने के लिए, मैया यशोदा बाबा को पूछो मुसीबत से हमको कैसे बचाया है, पूतना भेजी, शक्तासुर भेजा, तनावर्त भेजा, केसी भेजा, व्योमासुर भेजा, अघासुर भेजा, बकासुर भेजा, तुमने कोई कसर छोड़ी? अब तुम बचोगे नहीं। भगवान झपटे कंस के आसन पर चढ़ गए, बाबा देख रहे हैं, मथुरा समाज निहार रहा है, कंस को मारने वाले जो हैं अगर मारना चाहते, प्रतिमा का भंजन करना चाहते हैं
तो कंस की प्रतिमा के पास पहुंच जाए।